जी हां, सरकार से साहिब की शिकायत की गई है। सुशासन दिवस के मौके पर आज हरियाणा की सीएम विंडो ने भी 3 साल पूरे कर लिए हैं और 3 साल पूरे होने पर जो शिकायतें और शिकायतों के समाधान के आंकड़े सामने आए हैं उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि शिकायतों के लिए सीएम विंडो बनी है लेकिन सीएम विंडो की शिकायतें कहां की जाएं। तो 3 साल पूरे होने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैरान करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा शिकायतें सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस के खिलाफ की गई कि पुलिस ना जनसेवा करती है, ना सुरक्षा ही दे पा रही है, ना सहयोग करना चाहती है। साथ ही समाधान से संतुष्ट शिकायतकर्ताओं की अगर बात की जाए तो आंकड़ा सिर्फ 10%। आज से ठीक 3 साल पहले 25 दिसंबर 2014 को फरीदाबाद से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर सीएम विंडो की शुरुआत इस सोच के साथ की गई कि लोग घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। आज जब सीएम विंडो को 3 साल पूरे हो गए तो समीक्षा होनी बेहद जरूरी थी। तो 3 साल में सीएम विंडो की समीक्षा ये है कि इस दौरान सीएम विंडो पर 4,15,000 शिकायतें आई और बड़ी बात ये कि इनमें से 87,000 शिकायतें तो अकेले पुलिस के ही खिलाफ हैं। हालांकि 4,15,000 शिकायतों में से लगभग 82,000 का डीजीपी ऑफिस के स्तर पर निस्तारण कर दिया गया। कुल मिलाकर आई सभी शिकायतों में से 3,76,000 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। सीएम विंडो के इन 3 सालों में पुलिस विभाग के खिलाफ आई शिकायतों में भ्रष्टाचार के आरोप भले ही कम है लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई ना करने, वक्त पर मदद ना पहुंचाने, एफआईआर दर्ज ना करने और मुलजिमों की गिरफ्तारी को लेकर ज्यादा शिकायतें की गई हैं। लेकिन फिर भी सरकार सीएम विंडो को अपनी उपलब्धियों की फेहरिस्त में शुरू से रखती है और सीएम से लेकर तमाम मंत्री तक सीएम विंडो की तारीफ करते नजर आए हैं। यही आज 3 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से किया। लगातार हर चीज में सुधार करते हैं, ये हमारा रिव्यू का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। हालांकि विपक्ष सरकार की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष शुरू से सीएम विंडो पर सवाल खड़ा करता आया है और आज एक बार फिर से सवाल किए गए। 3.5 साल इस सरकार को हो गए, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को तो 4 साल होने जा रहे हैं। ये सरकार का कार्यकाल, इस कार्यकाल से प्रदेश का हर वर्ग निराश है। आपने सीएम विंडो की बात करी, सीएम विंडो तो खोली मगर सारे भाजपा के 87 नेताओं ने अपने दरवाजे बंद करने का काम किया, खिड़की तो खोली मगर कुहाड़ बंद कर दिए। और जो है मैं समझता हूँ कि जनता और सरकार में एक अंतर बढ़ाने का काम हुआ है। ये जो है जो कार्यशैली रही है इससे हरियाणा को बहुत नुकसान हुआ है, खासतौर पर हरियाणा के नौजवान को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि विकास का कोई नया कार्य हुआ नहीं। सरकार और विपक्ष भले ही कुछ भी कहें लेकिन असली बात जनता ने बताई। उसका मानना है कि योजना बेहद अच्छी है लेकिन दलालों ने इसे पलीता लगा दिया है। मोदी जी ने सीएम विंडो को लेकर जो सोच बनाई थी उस सोच के हिसाब से इसका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ कि केवल मात्र सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार कर रही है। इस सीएम विंडो का लोगों को फायदा है, लोगों को इसका कोई फायदा नहीं है बल्कि लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जनता को गुमराह करने का गवर्नमेंट का तरीका, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, ये इससे जनता को कोई लाभ ही नहीं है और ना ये इस सरकार में मुख्यमंत्री की विंडो पर सुनवाई है, ना किसी एमएलए के पास सुनवाई है और ना ये किसी के कोई भी सुनवाई कर ही नहीं रही सरकार। सीएम विंडो का शुरुआत में लोगों को ये लगा कि मुख्यमंत्री जी इसको खुद सुनेंगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन कुछ इंतजार के बाद वो मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन के जुम्मे लगा दिया गया तो जिला प्रशासन उसको लगातार देख रहा है। पिछले दिनों मैंने एक आरटीआई मांगी तो कोई आरटीआई देने के लिए तैयार नहीं था। उस अधिकारी ने मुझे कहा कि आप सीएम विंडो पर लगा दो। सीएम विंडो पे लगाने से कोई बात का रिजल्ट नहीं मिलता, उसका उल्टा मिसयूज होने लग गया। ये
आशा करके जाते हैं कि हम वहाँ पर अपनी कंप्लेंट देंगे तो हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट ऐसा नहीं है। इसके काफ़ी सारे कारण हैं, करप्शन भी हो सकता है, जो सीट पे लोग बैठे हैं अगर किसी का किसी के साथ कॉन्टैक्ट है तो वो शिकायत अगर दर्ज भी होती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सीएम विंडो को लेकर कई तथ्य हैरान करते हैं, जैसे पुलिस विभाग के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें, यहां तक कि एक बार तो सीएम विंडो पर सीएम के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी गई थी जिसका नंबर 14,470 था। बहरहाल सीएम विंडो की योजना अब 3 साल पूरे कर चुकी है और सरकार इससे बेहद संतुष्ट नजर आई। विपक्ष भले ही असंतुष्ट हो लेकिन बड़ी बात ये कि जनता भी सीएम विंडो से कुछ खास खुश नजर नहीं आई, इसलिए बड़ी बात में बड़े मसले पर बड़ी चर्चा जरूरी है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। बिल्कुल, बड़ी बात में बड़ी चर्चा हम करेंगे, बहस इसे लेकर करेंगे कि सरकार जितने संतुष्ट है 3 साल के सीएम विंडो ने, जिस तरह से काम किए, जितने शिकायतों का समाधान किया गया, जो आंकड़े सामने आए, क्या सरकार को इतना खुश होने की जरूरत है या फिर विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है कि सिर्फ नाम की सीएम विंडो शुरू की गई लेकिन कोई मंच नहीं है, कोई जरिया नहीं है शिकायतों के समाधान का। चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। केवल ढिंगरा है हमारे साथ स्टूडियो में, कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, साथ ही रविन्द्र ढुल हमारे साथ इनेलो का पक्ष रखेंगे चर्चा में, राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, नंदिता हुड्डा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में बनी हैं। स्वागत है सभी मेहमानों का इस चर्चा में। चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे तब सरकार का पक्ष जानेंगे। आप शुरुआत करते हैं विपक्ष से, ढिंगरा साहब कितने नंबर देंगे सीएम विंडो को? देखिए, इसमें नंबर देने वाले का काम ही कोई नहीं। बेसिकली आप ये देखें, 87,000 कंप्लेंट जो मतलब एक आंकड़ा जो लग रहा है कि करीबन पुलिस की कंप्लेंट जो है इस विंडो पे आई, और 87,000 में से सिर्फ जो एक आंकड़ा आ रहा था कि भी उसमें 5-7% 10% लोग ही संतुष्ट हैं। तो आप ये देखिए कि 87,000 में अगर सिर्फ 7,000 या 10,000 लोग ही संतुष्ट हैं तो 77,000 लोग जो हैं वो नाराज हैं इस मामले से। और जब इतने लोग नाराज हो रहे हैं तो ये किस चीज की सीएम विंडो है? आपको हाल ही में जो करंट मामले आए, एक गुड़गांव रियान स्कूल का मामला था, उसमें पुलिस वालों ने उस कंडक्टर को इतना पीटा और उसकी हालात खराब कर दी, और वो जो है अब ये कह रहा था कि मैं अब किसी नौकरी करने लायक नहीं बचा हूं, तो अगर मैं किसी स्कूल में तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो आप इस तरीके से देखें तो वो पुलिस वालों के ऊपर आज तक इस सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये देखिए किस तरीके से 3 साल के जो वाहवाही लूटने वाली सरकार आज ये देखिए किस तरह की हाल किए हुए प्रदेश के। अगर आप सिर्फ पुलिस की क्या माने, कोई भी कंप्लेंट अगर सीएम विंडो पे जा रही है तो आप उसका मतलब कहने में औपचारिकता कर देते हैं कि इसका निपटारा कर दिया, इतने निपटारा हो गए, लेकिन लोग कहां संतुष्ट हैं? जब लोगों की संतुष्टि नहीं है तो सीएम विंडो किस बात की है? आप ये देखिए, बहुत बुरी हालात है इस समय प्रदेश की, हर रोज घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट, डकैती, चोरी, सब लगातार कत्ल बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार सोई हुई है और अपनी वाहवाही लूटती है। सरकार सोई हुई है। वीरेंद्र चौहान है हमारे साथ, बीजेपी नेता फोन लाइन पर जुड़े हैं। चौहान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है, साथ ही आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे जो मकसद था सीएम विंडो को लेकर, क्या 3 साल में जितना पूरा होना चाहिए था उतना पूरा हुआ? देखिए, सीएम विंडो का जो मकसद था और है वो कोई इस तरह का काम नहीं है कि हमको 3 साल में एक इमारत बनानी थी, वो साफ बन गई कि नहीं बन गई, आधी बनी कि पूरी बनी। सीएम विंडो एक एक यू कहिए कि एक मैकेनिज्म है जो निरंतर काम करने वाला मैकेनिज्म है, वो सतत लोगों की जो दुख दर्द है, समस्याएं हैं, उनकी सुनवाई का एक प्लेटफॉर्म है, वो लगातार काम कर रहा है। और ये इस बात में तो अंतर थोड़ा सा हो सकता है कि कांग्रेस के हमारे मित्र उसकी उपयोगिता को स्वीकारें न स्वीकारें, लेकिन वो एक कामयाब मैकेनिज्म साबित हुआ है हरियाणा में आम आदमी की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए। लाखों की संख्या में हरियाणा के लोगों ने अपनी जो समस्याएं हैं वो सीएम विंडो के माध्यम से वो दर्ज कराई हैं और उनका निराकरण, बड़ी संख्या में उनमें से शिकायतों का निराकरण हुआ है।
इसलिए ये कह देना कांग्रेस के मित्रों का कि ये तो वाहवाही लूटने वाली सरकार है और ये कह के सीएम विंडो को हवा में उड़ाने की कोशिश करना, ये राजनीतिक बोली है। और अगर राजनीतिक बोली में ही जवाब देना हो तो मैं अपने मित्र को ये कहूंगा कि देखिए साहब, वाहवाही लूटी, अगर हम वाहवाही लूटने वाली सरकार भी हैं आप ही के शब्दों में, तो हम अच्छे कामों के लिए वाहवाही लूट रहे हैं। हमने देश और प्रदेश को नहीं लूटा जैसे आप लोगों ने लूटा था, सारे एक पक्ष ये है कि शिकायतों का समाधान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था तीन साल के दौरान। दूसरा पक्ष ये कि जिन शिकायतों का समाधान किया गया उनमें से शिकायतकर्ता केवल 10% संतुष्ट हैं। क्या कागजों में ही समाधान दिया जाएगा या फिर दिया गया? ऐसा नहीं। देखिए, जब कोई शिकायत करता है तो उसमें अलग अलग प्रकार की शिकायतें होती हैं। शिकायतकर्ता का अपना एक नजरिया होता है, वो उसको लगता है कि इसका समाधान इस दृष्टि से होना चाहिए। जब वो प्रक्रिया, जब उसकी निराकरण की, निवारण की प्रोसेस चलती है, तो बहुत बार शिकायतकर्ता स्वयं गलती पर होता है और उसका अगर उसकी जांच पड़ताल के बाद उसके पक्ष में बात नहीं आई तो क्या 90% गलत थे? 90% तो शिकायतकर्ता थे। एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिए। मान लीजिए आपने कोई शिकायत की और आप गलती पर थे, मान लीजिए, तो आप उस शिकायत के निराकरण को यही कहेंगे, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें भी हो सकती हैं जो जहां पर निराकरण, बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन जो आंकड़ों का अंतर है, क्या वो 90 और 10 हो सकता है? 90 और 10 हो सकता है ढोल साहब, कि शिकायतकर्ता को ही जानकारी ना हो या फिर उम्मीद ज्यादा कर ली गई हो या उसका ही पक्ष गलत हो? बहुत बार एक बार के लिए सुनिए, आप एक बार के लिए सुने ढोल साहब जी। देखिए ज्योति, मजाक एक प्रकार का ये है सीएम विंडो के रूप में। एक हमारे कानून में कहावत है, नो वन कैन जज हिज ओन कॉज, मतलब कि यदि आप खुद कार्य कर रहे हैं, आपकी खुद की गलती है, तो आप उसके निर्णय नहीं कर सकते हैं कि उसने सही किया या नहीं किया। अधिकतर जो सीएम विंडो की शिकायतें, यदि आप उसको चेक करेंगे, तो उन्हीं अधिकारियों के पास में भेज दी गई जिन अधिकारियों के खिलाफ में शिकायत हुई थी। तो इसके कारण से यदि मैं ये कहूँ कि कानून की भाषा में कहूँ, तो ना तो उस शिकायत का कोई मतलब है, ना ही उसके कोई मायने रहते हैं। सीएम विंडो की शिकायत के मायने तब हो सकते थे यदि एस्केलेट होकर के मुख्यमंत्री साहब तक जाता और वो अपने निजी संज्ञान में लेकर के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिकायत, बेशक से सीएम विंडो के नाम से चल रही हो, तो सीएम साहब तक पहुंचती होगी। अब 87,000 केवल जी ने बताया, जैसे कि आपने भी बताया, 87,000 कंप्लेंट्स पुलिस के खिलाफ, महकमे के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि पुलिस महकमे के खिलाफ जो है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के नाम से एक बड़ा सा एक स्टेचुटरी प्रोविजन भी है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 3.5 साल से पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का जो पद है वही अभी तक खाली पड़ा हुआ है। तो लोग जो है केवल पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें हैं उनको लेकर के तो मारे मारे सड़क के ऊपर घूम रहे हैं, ये माने या ना माने। अब सीएम विंडो की मैं अपने निजी उससे बताता हूँ। एक मैंने पीछे शिकायत की थी, एक मेरे सामने आया था मामला, इनके एक चेयरमैन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, उनके खिलाफ शिकायत हुई, इनके सीएम विंडो में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हुई, उन चेयरमैन साहब के पास ही भेज दी गई जांच के लिए। वो मेरे सामने है, चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की, वे अपने पसंदीदा बंदे को पद पे लगाना चाहते हैं, वही बंदा भी पद पे लगता है और शिकायत की जांच भी वही कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कौन से ग्रीवियंस की और रिड्रेसल सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा। ये असंतुष्टि का जो मैकेनिज्म है, वीरेंद्र जी बेशक से कहें कि 90% लोग गलत थे या फिर बहुत सारे लोग गलत थे उसमें से, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। संतुष्टि का पैरामीटर ये है, कानून कहता है कि न्याय होना नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। तो दिखना जो है और होने में बहुत फर्क है, दिखता नहीं है, ये बेशक से कितनी भी बड़ी बातें कर ले। चौहान साहब जवाब चाहेंगे? मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि लोगों के पास ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल के सब स्थानों पर अलग अलग मैकेनिज्म हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल का एकमात्र जो प्लेटफॉर्म वो केवल सीएम विंडो हो, ऐसा नहीं है। ये एक वैकल्पिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की व्यवस्था हमने की है और इसमें जो शिकायतें आ रही हैं उसका एक मैकेनिज्म हमने ये बनाया है। उसमें देखिए, जब हमने शुरू किया था तो हो सकता है उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, हमने उसमें बदलाव भी किए। मतलब एक बात ये आई, एक शिकायत ये आई थी ज्योति जी बीच में, जो अधिकारी हैं, क्योंकि शिकायत आमतौर पर किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ होती है और वो आपस में मिलीभगत करके या भाईचारे में उनको निपटा दिया गया है, ऐसा लिख करके रिपोर्ट ऊपर भेज देते हैं और शिकायत का निपटारा नहीं होता। जी। इस व्यवस्था को, इस खामी को दूर करने के लिए
एक मैकेनिज्म ये निकाला गया कि एमिनेंट सिटीजन नियुक्त किए गए प्रदेश में नागरिकों को प्रबुद्ध नागरिकों को। परिणाम क्या है, 3 साल चुनके पूरे हो चुके हैं, उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या है फिलहाल तक, सुधार अगर किए गए? मैं बता रहा हूँ वो कि उसका परिणाम ये निकला फिर कि जहां पर कोई अधिकारी कर्मचारी इस तरह से चोरी करते थे, गुमराह करने की कोशिश करते थे, उस पर अंकुश लगा है। अब कोई भी शिकायत करता, चाहे वो रविंदर दूत जी क्यों ना हो, उनकी शिकायत का निपटारा जब होता है तो वहां पर उस क्षेत्र के कोई ना कोई एविडेंट। नहीं, हमने काफी लोगों से बातचीत की कोशिश की चौहान साहब, हमने बातें भी की, फीडबैक फीडबैक जितना सकारात्मक होना चाहिए था तुलनात्मक रूप से उतना दिखा नेगेटिव फीडबैक। बड़ी बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, मुझे उसको पूरा करने दीजिए, मैं फोन पर हूँ इसलिए मुझे दिक्कत भी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि रविंद्र ढुल जी ने कोई शिकायत की तो इनकी शिकायत का निपटारा करके कोई फोन कर नहीं भेज सकता कि भाई ये तो इसका निपटान हो गया है। रविंद्र ढुल जी की संतुष्टि के लिए वहां पर एमिनेंट सिटीजन है, इनको भी बुलाया जाएगा, इनका पक्ष भी जाना जाएगा। और नहीं, आपने संतुष्टि की परिभाषा ही अलग कर दी, कि परिभाषा ही अलग है कि क्या पक्ष है शिकायतकर्ता का और जो समाधान है उससे वो संतुष्ट है या नहीं, खुश है ही नहीं, वो अलग परिभाषा आपने दी। एक बार के लिए सुनिए, ढिंगरा साहब आपसे सवाल करेंगे, केवल ढिंगरा जी हैं हमारे साथ, सवाल करेंगे आपसे। चौहान साहब, ऐसा है, एक वेद प्रकाश जी है एडवोकेट, उनको वो एक पद पे लगे हुए थे विधानसभा के अंदर, उसमें उन्होंने जब वो उनका टाइम पूरा हो गया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मुझे दोबारा मतलब अपॉइंटमेंट दी जाए या मुझे रखा जाए दोबारा। तो आपके वहां पे एक वकील सिंह है जो पहले तो टेलीफोन ऑपरेटर थे, उनको 4 बार प्रमोशन देके आपने उनको सेक्रेटरी बना दिया स्पीकर साहब का। अब वो स्पीकर साहब के सेक्रेटरी बन गए और वो उनसे बातचीत करते हैं जिसकी ऑडियो जो है वो चैनल पे चल रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि रिश्वत अमाउंट दे दो तो आपको हम जो है बना देंगे, और उसके ऊपर उनसे रिश्वत ली गई जो वकील सिंह है उनके कोई भी क्लोज आदमी, उनके अकाउंट में डाल दिए गए पैसे, जो ऑडियो टेप चल रही है टीवी के ऊपर। आप ये बताएंगे कि क्या कार्रवाई आपके जो है पारदर्शिता चल रही है, कैसा मैकेनिज्म है कि आप इस तरीके की कार्रवाई जो चल रही है, और वो कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या कार्रवाई की आपने उन लोगों पे ऊपर, क्या कार्रवाई हो रही है ऐसे मामले, अगर जो पारदर्शिता की सरकार चल रही है और इस तरह अगर आपके पास कंप्लेंटें आ रही हैं, आपने उसकी विजिलेंस जांच के लिए भी भेजा था कोर्ट ने लिख के, लेकिन उसके बाद विजिलेंस जांच में भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की और वो आज तक अभी पेंडिंग पड़ा था। सीएम विंडो पर रहने की कोशिश करेंगे चौहान साहब, छोटा सा जवाब, नहीं ये पुलिस का ही मामला है, छोटा सा जवाब जी। मुझे मैं उत्तर देता हूँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ढींगड़ा जी प्रजातंत्र है, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना कृपा करके ध्यान रखें कि बात सीएम विंडो की हो रही है और आप किसी एक इंडिविजुअल मामला पुलिस का ही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कैसी कैसा मैकेनिज्म है आप जो बात कर रहे थे, ये मैकेनिज्म कैसा है आपका, कहीं और तो कहीं और? आपने जितना बोला मैंने पूरा सुना। देखिए ढींगरा जी, थोड़ा जल्दी, बाकी मेहमान हैं उनको चर्चा में जोड़ना है, 10 सेकंड। मुझे एक बात कह लेने दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गलत काम किसी ने भी किया हो, चाहे वकील सिंह हो या कोई दूसरे सिंह हो या कोई भी व्यक्ति हो, कहीं कोई, अरे सुनिए एक मिनट, सुन लीजिए, हम हर गलत व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो जाए। क्या लगता है सीएम विंडो की हरियाणा जैसे राज्य में कितनी जरूरत है और कितनी शिकायतों का जो समाधान होना चाहिए था 3 साल के दौरान वो हुआ? ज्योति जी देखिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस में होता क्या है कि इनफिशियंसी जो है वो इनफिशियंसी को ब्रीड करती है और करप्शन करप्शन को ब्रीड करती है। तो सीएम विंडो का जब कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया तो इसके पीछे एक उम्मीद थी कि सीएम विंडो एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट का काम करेंगी। प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे जो लोग शिकायत लेकर के अफसरों के पास जाते हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, तो उनको इन्होंने एक ऑप्शन देने का काम किया था कि सीएम विंडो पर आप आइए और आपकी कंप्लेंट को बड़ा सीरियसली लिया जाएगा। अब मामला चूंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में जब आप इनफिशियंसी लार्ज स्केल पर आ जाती है, करप्शन लार्ज स्केल पर आ जाती है, तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को बहुत इफेक्टिव बनाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो चूंकि अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे अगर आपके जो ऑफिसर्स हैं जो एसएचओ के पास कंप्लेंट जाता है वही कंप्लेंट अब सीएम विंडो में आ जाता है, जो कंप्लेंट एसएसपी से रिलेटेड है, ऑफिसर से रिलेटेड है, जिनका काम है उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करना, काम मेरा है कि उनके कंप्लेंट्स को एड्रेस करना, वो काम हम नहीं कर रहे हैं, तो वो कंप्लेंट्स अब सीएम विंडो में चला जाता है,
वापस फिर वो हमारे ही पास आता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का जो मैकेनिज्म है ग्रीवांसेस रिड्रेसल का पॉलिटिकल सिस्टम में हमने उसको इररिलेवेंट बना दिया है, तो उस परिस्थिति में सीएम विंडो इनइफेक्टिव ही रहेगा। इसको इफेक्टिव होने के लिए और इससे डरने के लिए आपको उस लेवल पे बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये फॉर्मेलिटी हो जाती है। जैसा कि आपने डेटा देखा 4,15,000 अगर उसमें कंप्लेंट्स आए, 3,76,000 के आसपास उसको अगर सॉर्ट आउट किया गया तो ये डेटा बड़ा इंप्रेसिव है, इंप्रेसिव है। लेकिन जैसा आपने कहा कि फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया है, तो इसका मतलब ये फॉर्मेलिटी है। तो इंटायर एक्सरसाइज फॉर्मेलिटी हो जाती है क्योंकि क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। नंदिता हुड्डा जी, चूंकि पब्लिक से सीधे आप जुड़ी रहती हैं, पक्ष अपनी बात करता है, विपक्ष भी आरोप लगाता है, क्या लगता है, क्या वाकई समाधान देती है सीएम विंडो, वाकई कोई जरिया है? देखिए, ये जो अभी हम आंकड़ा बता रहे कि 4,25,000 के करीब कंप्लेंट्स आई हैं, तो ये सारी डिपार्टमेंट्स के खिलाफ हैं कि हमारा ये काम वहाँ नहीं हुआ, ये वहाँ नहीं हुआ, हमारे साथ ही वहाँ पे जाती हुई। तो ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है सरकार का कि काम कैसे हो रहा है। तो इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? और जो उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 10% है। तो ये भी हमारी जो सीएम विंडो है वो भी फेल ही हो रही है। मैं तो अभी दीपेंद्र जी कह रहे थे कि किवाड़ बंद कर दिए और खिड़की खोल दी, तो अगर कोई आदमी परेशान होता है तो उसको ध्यान से सुना जाता है, उसको समाधान करने के लिए। अब एक गांव में एक आदमी है, गांव के आदमी के किसी की, अभी जैसे मैंने भी एक कंप्लेंट पढ़ी थी कि मेरे 15,00,000 रुपए किसी ने ले लिए और वो नहीं दे रहा और पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। तो मैं ये कहती हूँ जब भी हम कोई नीति बनाते हैं तो नीति जो जब लागू होगी तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या उस सुविधा तक हर आदमी की एक्सेस है। अब हम हाईटेक हुए जा रहे हैं पर क्या हम उसको फॉलो अप कर पाएंगे? अब एक गांव का आदमी जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, हमारा लिटरेसी रेट 71% तकरीबन हरियाणा में है, तो क्या 30% लोग जो लिख नहीं पा रहे वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उनके लिए कौन लिखेगा? तो कैसे वो जाए, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, और उसके आगे फर्दर कि अगर हमें अपनी उसका रिपोर्ट जानना है तो पहले हम अपना कंप्लेंट नंबर लिखें, फिर एक मोबाइल में एक कोड आएगा वो देखें। मेरे हिसाब से जो हमारा हरियाणा प्रदेश है इसकी जो आबादी है वो ज्यादातर गांव में बसती है और गांव में बहुत मुश्किल है इस तरह के सिस्टम को कामयाब करना। तो पहले हमें हर व्यक्ति को अवेयर करना है कि कैसे इन चीजों को हम जानेंगे। आपसे आप जवाब दीजिएगा ठाकुर साहब, आपसे मैं जान लूं उससे पहले सिस्टम की शिकायतें आप सीएम तक पहुंचा सकते हैं, क्या लगता है सीएम विंडो से विश्वास बढ़ा सरकार में या फिर सीएम में? नहीं देखिए, विश्वास की तो बात तब करेंगे ना जब इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म सही होगा। मैंने शुरुआत से कहा वीरेंद्र जी ने उसका जवाब नहीं दिया है। यदि एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होती है, भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, वही व्यक्ति उसकी जांच करेगा तो किस प्रकार का एड्रेसर होगा? सबसे जो गंभीर स्थिति है वो ये है कि एस्केलेशन का लेवल इतना हाई नहीं है जिस लेवल की हम एक्सपेक्ट करते हैं। यदि थाने में किसी इम्प्लॉय के बारे में शिकायत आप पुलिस थाने में कर रहे हैं तो उसका जो है यदि उसको उसका निर्धारण जो है एसपी और आईजी लेवल तक भी चला जाए फिर तो शायद एक होप बन सकती है। लेकिन वो थाने का अगर यदि सब इंस्पेक्टर ही उसकी जांच कर रहा है और थाने के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ ही शिकायत है तो मैं नहीं मानता बिल्कुल भी इफेक्टिव है। और पुलिस की जो है ना 90,000 जो शिकायतें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इसी कारण से पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी काम ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं आप पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म आपके पास में स्टैट्यूटरी आप वहां पर अपॉइंट ही नहीं कर रहे, खाली पड़ा हुआ है वहां पर पद। तो इस प्रकार की चीजों को इनको ध्यान में रख करके और एस्केलेशन का लेवल जब तक आप ऊपर नहीं उठाएंगे आप मैं नहीं मानता बिल्कुल भी इफेक्टिव होगा। ये यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, मैंने आपको बताया एक व्यक्ति का नाम लगाया, मैं खुद इसके निजी रूप से भुगत भोगी हूँ। 2-3 बार मैंने खुद कंप्लेंट की है उन्हीं व्यक्तियों के पास चली जाती है जिनके खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ठीक है, कैसे वो सेटिस्फाई कर लेगा जॉन साहब जिसके खिलाफ आरोप लगते हैं, जांच भी अगर वही करते हैं या उन्हीं के स्तर के लोग करते हैं तो फिर कैसे उम्मीद की जाए? देखिए, साधारणतया ऐसा होने की गुंजाइश कम होती है। अगर किसी मामले में ऐसा हुआ है तो उसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात ये, अभी इन्होंने मिस हुड्डा ने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनके चित्रण के हिसाब से अभी हरियाणा के गाँव में ना कंप्यूटर है, ना आईटी है, ना लोग कुछ जानते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। हरियाणा के गाँवों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं सबके पास मोबाइल फोन है, सबके लोग
वो बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मेरे मान लीजिए मेरे पिताजी तो सरकारी अधिकारी रिटायर्ड हैं, मान लीजिए मेरे पिताजी निरक्षर भी होते तो मैं इंटरनेट जानता हूं, मेरे परिवार में चार लोग ऑनलाइन भी कंप्लेंट करने की स्थिति में है। दूसरी बात ये कि क्योंकि कोई कंप्यूटर नहीं जानता या लिखना नहीं जानता, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारे काम बंद कर दिए जाएं जिनमें पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता तो मेरा भाई जानता होगा, मेरा पड़ोसी जानता होगा, सब तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने पहले भी की हैं। तो ये दलील सही नहीं है कि भाई अभी हरियाणा इन चीजों के लिए तैयार नहीं है, ये कुछ वैसी ही दलील है जैसे कुछ लोगों ने हरियाणा जब हमने स्वीकार भी किया था, चौहान साहब हरियाणा की जनता ने स्वीकार भी किया, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है, ढोल साहब ने भी अभी कहा पैनल से, उसमें जो खामियां थी क्या उनको सरकार ने दूर किया जितनी जरूरी थी? मैं जो बात कह रहा था कि कुछ लोगों ने जब हमने गांवों की पंचायतों में पढ़े लिखे प्रतिनिधि लाने की कोशिश की तो लोगों ने कहा नहीं हरियाणा तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी दलील को नकार दिया। ये दलील तो ठीक वैसी सी है, इसलिए मैं इसको तो बिल्कुल नकारता हूं। रही बात खामियों की, ज्योति जी एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यवस्था कोई भी मैकेनिज्म कोई शुरू करता है उसमें खामियां हो सकती हैं। अभी ढुल साहब बैठे हैं हमारे मित्र, इनके जो नेता मुख्यमंत्री थे जब ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था, मैं उस समय आपकी तरह एक मीडिया कर्मी था और मैं प्रत्यक्ष मैंने उनके सैकड़ों सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों को कवर किया। बहुत अच्छी एक पहल थी, लेकिन उसी पहल में एक खामी ये भी थी कि मुख्यमंत्री बैठे होते थे शिकायतें सुनने के लिए और पुलिस वाले वैलिड शिकायतकर्ताओं को उनसे उन तक पहुंचने ही नहीं देते थे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने रिपोर्ट की। तो क्या इसका अर्थ था कि क्या वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम खराब था? विंडो में जो खामियां हैं, हालांकि हम वहां नहीं जाएंगे फिलहाल, क्या जस्टिफाई कर देंगे? ढिंगरा साहब सुनिए एक बार के लिए, चौहान साहब आएंगे आपके पास। ढिंगरा साहब, अभी चौहान साहब ने कहा कि वक्त लगता है खामियों को दूर करने में, तो 3 साल आज पूरे हो चुके हैं, कितना वक्त और लगेगा? देखिए 87,000 पुलिस कंप्लेंट आई जिसमें 8,000 लोग ओनली संतुष्ट हुए। जब वो लोग संतुष्ट ही नहीं है तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि मैकेनिज्म जो है हम बना रहे हैं, कौन सा मैकेनिज्म आपने तैयार किया, कैसे संतुष्ट होंगे लोग? आप तो कौन सी चीज ऐसे सारे आप सुनिए, 3.5 साल में ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया, कौन सा आपने तीर मारा जिससे कांग्रेस? अरे सुनिए चौहान साहब, सुन लीजिए, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ आप सुन तो लीजिए। अभी अभी आपको मैंने दो उदाहरण दिए, गुड़गांव वाले मामले में एक कंडक्टर की पिटाई हुई, उसके उसकी हालात खराब की, आप उसके जो पुलिस कर्मियों ने पीटा उस बेचारे को कंडक्टर को, जब उसका कसूर नहीं था तो आपने उस पुलिस कर्मियों को सरकार ने सजा दी क्या? आज तक दी सजा क्या? वो तो उदाहरण सामने है, जो जो उदाहरण हमारे सामने है आप उसी का ही बता दें पहले। दूसरे बात आप दूसरी बात आप करें जो आपके सामने नहीं है चौहान साहब। नहीं ढिंगरा जी, कम से कम उस विषय पे तो रह लो जिस पे चर्चा हो रही है। चर्चा इसी पे हो रही है, किस पे पिटा हो ये पुलिस की जो शिकायतें हैं उसके खिलाफ जो शिकायतें हैं आपको भी मालूम है ये बात, गांव की घटना पर ये कोई दलील है? नंदिता आज तक कोई काम हुआ उसके ऊपर? छोटा सा जवाब, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। छोटा सा जवाब चौहान साहब रुकिए एक बार के लिए, नंदिता जी छोटा सा जवाब, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। कोई गलत नहीं है, सीएम विंडो बहुत अच्छी चीज है अगर सक्सेसफुल हो तो, इस तरह चलाने से कोई फायदा नहीं है। और सच्चाई से आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाती, जब हमारी पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो कैसे वो करेंगे? अब मैं अपना एक एग्जांपल बताती हूँ, आप एक मिनट सुने, मैं अपना बताती हूँ कि हरियाणा पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो हरियाणा को। चलिए थोड़ा जल्दी ब्रेक पर हमें जाना, आपको टेक्निकली सबको पहले अवेयरनेस करना होगा, हर जगह जाके उनको सिखाना होगा, ये भी सरकार का काम है जो हम लगा रहे हैं, जो हम नीति बना रहे हैं तो हर आदमी की एक्सेस हो वहां तक, तो ये भी सरकार का ही काम है। उसके बाद चर्चा करेंगे, साथ ही आपको ये भी सुनवाएंगे कि आम पब्लिक का क्या कुछ कहना है सीएम विंडो को लेकर, जो परेशानियां हैं वो कब तक दूर होंगी और समाधान जो मिल रही है, जो कि आम पब्लिक कहती है, एक बड़ी संख्या वो है, बड़ा आंकड़ा वो है लोगों का जो कहता है कि कागजों में समाधान दे दिया गया, खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन वाकई जो वास्तविक धरातल पर जो समाधान मिलना चाहिए था, राहत मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।